अस्तिर इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्तिर पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्याः हरिष्ठदेवीः चाचा आगर ये सब क्या है इतने सारे अपाहिज हाँ बात तो सही कर पंडित जी बोलिए इतने सारे फिजिकली चैलेंज लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भगवान से पहले प्रॉमिस करोगे फिर तोड़ोगे तो अंग तो भंग होगा ही ना अब चलो प्रतिज्ञा लेने का समय हो गया है ऊपर आइए वाह पंडित जी हलाल होने वाले बकरे को पहचान लिया एक्सपीरियंस है पूरे 25 साल का मैं भी कोई आज पैदा नहीं हुआ हूँ मुर्गी कब अंडा देगी कहाँ देगी सब पता है उसको उबाला जाएगा या तला जाएगा या फिर ऑमलेट बनेगा सब जानता हूँ आप आइए 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 अब चलो ना आओ चलो आजा बेटा आइए आइए आजा आजा आप शर्मा मत नहीं तो पंडित भाग जाएगा आगे जाओ बेटा अब मेरी बात कॉपी पेस्ट कीजिए बोलिए टुडे एंड फ्रॉम नाउ आज और अभी से इन एवरी कंडीशन किसी भी परिस्थिति में माई वाइफ आई कुड फॉलो माई वुड बी अपनी पत्नी अपनी होने वाली पत्नी की हर बात मानूंगा आई विल नेवर डिशुम डिशुम आज के बाद कभी झगड़ा कैसे और इसे क्यों मार रहे हैं के बाद आज हाथ लगी है कौन बचाएगा तुझे मरने को तैयार हो जा लोग देवी को जानवरों की बलि देते हैं मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा ए नगाड़े बजाओ सारे शहर को पता लगना चाहिए कि मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा जाओ मार हाथ छोड़ो मैंने कहा हाथ छोड़ गणेश सुनो नहीं कुछ समझ गया अपने डर पर काबू रखो तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना देखो मेरी आंखों में देखो देखो मेरी तरफ देखो देखती रहो Oh!
बलि तो आज मैं चढ़ा के ही रहूंगा। हाँ तेरे बाप का माल है ना, आजा हाथ लगा। धनुष से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देगा वो। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खौलता जितने तेरे धनुष के नाम से खौलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, पर मैं जंगल का वो शेर हूं कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जानू मेरी है, ये बात भेजे में उतार ले, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसे हाथ तो लगाकर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूं, अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। एनी टाइम, एनी वेयर, एनी बॉडी, आई एम रेडी। अंकल मैं टल्ली तो नहीं लग रहा ना? अरे सात आठ पैग में कोई टल्ली थोड़ी होता है। कौन है रे तू? मैं रेड्डी के घर को ढूंढ रहा था, यहाँ बुलबुल रेड्डी रहते हैं क्या? कोई बुलबुल रेड्डी नहीं है, वो बुल रेड्डी रहता है इधर, मेरा बॉस है वो। एक्चुअली मैं शहर से आया था शादी के लिए लड़की देखने, पता चला लड़की यहाँ पर है तो उससे एक बार मिल लूं फिर चला जाऊंगा। ज्यादा शाना बनता है क्या, चुपचाप निकल ले। सर लगता है आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, लड़की को देखा तो आप मारेंगे पर लड़की को नहीं देखा तो घर पर पापा वाट लगाएंगे। पापा क्या करेंगे? सबसे पहले तो पापा मुझे ऐसे ही पटकेंगे। इतना गुस्सा, बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा। वो अपने पापा से कुछ ज्यादा ही डरता है, बैठ के शो देखते हैं। हथियार, अपने बाप को हथियार दिखाता है, इतना बड़ा हो गया तू है, इतना बड़ा हो गया, निकल मैं नालायक। पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? गलत बात है, हथियार नहीं उठाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या निशाना लगाया, देखो ऐसी तो और भी कई खूबियां हैं। अच्छा हाँ। जो चीज बैल के गले में होनी चाहिए वो तेरे हाथ में क्यों है? उठाएगा दूसरे मुझे उठाएगा। बीच में बोला, वो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा? इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। अरे अरे मजा आ गया, इस शो के टिकट तो ब्लैक में खरीदे। आगे आगे देखो होता है क्या, क्या बात कर रहे हो? गाँव क्यों गया था? लड़की को देखे ना, बिना देखे आ गया, बिना देखे, बिना देखे कथा कहीं का, जो कहता हूँ वो कभी नहीं करता। मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? डैडी, डैडी, डैडी कौन है? सॉरी डैडी, माफ कर दो डैडी। पिताजी को डैडी बोलता है? डैडी बोलता है, डैडी बोलेगा, शर्म नहीं आती? अंग्रेजी झाड़ेगा, इंग्लिश मीडियम मुंसिपल में पढ़ता है, इंग्लिश झाड़ता है। सॉरी पिताजी, दो फटके पड़ गए तो इंग्लिश भूल गया ना, इंग्लिश झाड़ेगा। पिताजी हिंदी बोलने आती नहीं है, इंग्लिश बोलेगा। डैडी पापा पॉप डैडी, पता नहीं कहाँ खा के क्या क्या सीखा और किस किस को हिंदी सीखनी है यहाँ पर। पिताजी मार रहे हैं। कौन है वो? डैडी है वो, आपको भी मार देगा। कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? तेरी तो यहाँ ओबुल रेड्डी कौन है? बता कहाँ छुपा बैठा है, कहाँ छुपा के रखा है उसे? कौन है ओबुल रेड्डी? जल्दी बता बे वरना इसे मारता रहूंगा। डैडी सुनिए, वो दो नंबर गए। अच्छा